जो आप सबका स्वागत है आप सबके अपने पे, तो आज की में हम कवर अप करेंगे, क्लास टेन मैथ स्टैंडर्ड का सीबीएसई सैंपल थ्री और अभी तक इस पेपर के सेक्शन और सेक्शन बी की वीडियो नहीं है तो उस वीडियो का लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं तो स्टार्ट करेंगे आपको कह रहा है नेशनल आर्ट कन्वेंशन गॉर्ड रजिस्ट्रेशन फ्रॉम स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री ऑफ वेस्ट एटी फोर आर इंटरेस्ट इन डांस एंड वन जीरो एट स्टूडेंट्स आर इंटरेस्ट इन हैंडक्राफ्ट फॉर ऑप्टिमम कल्चर एक्सचेंज ऑर्गेनाइजर ऑफ ग्रुप ग्रुपिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन द सेम आर्ट फॉर्म एंड द नंबर सेम फाइन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हिट ग्रुप फाइन द नंबर ऑफ ग्रुप इन इज आर्ट फॉर्म एंड हाउ मेनी रूम इफ इच ग्रुप्ट रूम इस क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन म्यूजिक आपको दे रखे हैं सिक्सटी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन डांस आपको गिवन है एटी फोर और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन हैंडी क्राफ्ट वो आपको दे रखे आपको है वन जीरो एट यहाँ पर आपको मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप निकालने हैं जिसमें आपके हर एक ग्रुप में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो और इक्वल नंबर ऑफ रूम हो तो यहाँ पर आपको क्या करना है मिनिमम नंबर मिनिमम नंबर मतलब हाईएस्ट कॉन फैक्टर तो दैट मीन यहां पर हम क्या निकालेंगे ऑफ़ एंड जो हमारा किसके बराबर आ जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप सब्जेक्ट टू गिवन कंडीशन यहाँ पर हम सबसे पहले सिक्सटी एटी फोर वन जीरो एट के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग प्राइम फैक्ट्रेशन मेथड थर्टी फिफ्टीन थ्री फाइव जा फाइव वन जा 84 के फैक्टर्स निकाले फोर्टी टू ट्वेंटी वन थ्री सेवन जा सेवन वन जा वन ज़ीरो एट के निकाले फिफ्टी फोर ट्वेंटी सेवन थ्री नाइन 3 थ्री थ्री ज़रा थ्री वन जा अब इसको यहाँ पर हम ऑर्डर में लिखेंगे तो टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू फाइव एटी फोर इज इक्वल टू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू सेवन वन जीरो एट इज इक्वल टू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री आपको बताइए कि हाइएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे जो तीनों टर्म में हमारा कॉमन होगा तो टू आपका कॉमन आ रहा है टू आपका कॉमन आ रहा है और थ्री आपका कॉमन आ रहा है बाकी सारी नॉन कॉमन टर्म है तो यहाँ पर आप लिखोगे एस सी एफ इज इक्वल टू टू इंटू टू इंटू थ्री दैट इज इक्वल टू ट्वेल्व तो मतलब मिनिमम जो हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे इस ग्रुप में वो हमारे कितने होंगे बारह ग्रुप बनेंगे जिसमें हमारे इक्वल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स होंगे तो ये तो हमारा निकल गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप अब फर्दर वो कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ ग्रुप इन ईच आर्ट फॉर्म कि मतलब हर एक आर्ट फॉर्म में कितने ग्रुप बनेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे जो भी जैसे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है इसको हम इस एस से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे जिससे हमारे पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म में नंबर ऑफ ग्रुप आपको पता चल जाएगा तो यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे सबको एक एक करके नंबर ऑफ ग्रुप इन म्यूजिक दैट इज इक्वल टू सिक्सटी अपॉन ट्वेल्व तो यह आपका कितना आ गया फाइव आ गया नेक्स्ट आप लिखोगे नंबर ऑफ ग्रुप इन डांस तो एटी फोर अपॉन ट्वेल्व दैट इज इक्वल टू सेवन नंबर ऑफ ग्रुप इन हैंडीक्राफ्ट तो वन जीरो एट अपॉन ट्वेल्व तो ये आपका कितना आ गया नाइन आ गया अब ये तो निकल गया आपका नंबर ऑफ़ ग्रुप के हर एक ग्रुप में कितने कितने हर एक आर्ट फॉर्म में कितने कितने ग्रुप बन रहे हैं बट यहाँ पर अब आपको फाइंड आउट करना है कि टोटल नंबर ऑफ रूम कितने रिक्वायर्ड होंगे जिसमें हर एक ग्रुप को अलॉट किया जाएगा तो यहाँ पर आप लिखोगे टोटल नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड इज इक्वल टू हरेक आर्ट फॉर्म में कितने ग्रुप बने पाँच सात और नौ अगर मैं इन सबको ऐड कर दूंगा तो टोटल रूम पता चल जाएंगे कितने हमें चाहिए तो यहाँ पर आप लिखोगे फाइव प्लस सेवन प्लस नाइन ट्वेल्व प्लस नाइन तो आपका कितना आ गया ट्वेंटी मतलब ट्वेंटी वन आपको नंबर ऑफ रूम की जरूरत पड़ेगी जिसमें हमारे हर एक ग्रुप क्या होगा अलॉट किया जाएगा तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन देखिए इफ अल्फा एंड बीटा आर द दीरोज ऑफ द कॉरेटिकॉमियल फाइव एक्स स्क्स एक्स प्लस वन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इन्वर्स यहाँ पर आपको एक कॉरेटिक पॉइनोमल दे रखा है और यहाँ पर आपको इन दो पैटर्न की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले जो आपको गिवन पॉनोमिल दे रखा है इससे हम सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ फाइंड आउट करेंगे आपको बताया कि जनरल इक्वेशन क्या होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को रिलेट करूँगा तो ए आपका कितना निकल गया फाइव बी आपका कितना निकल गया फाइव और सी आपका निकल गया वन आपको बताया कि सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होगा माइनस बी बाए तो माइनस फाइव पॉइंट फाइव आपका कितना आ गया माइनस वन आ गया अल्फा इंटू बीटा कितना होता है सी बाय तो ये आपका कितना आ गया वन बाय फाइव आ गया अब इन दो वैल्यू को यहाँ पर पुटअप करेंगे तो फर्स्ट पार्ट आपको कह रहा है कि आपको फाइंड आउट करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको पता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ टू अल्फा बीटा बिकॉज अगर मैं इस आइडेंटिटी को ओपन करूंगा तभी तो प्लस टू ए बी माइनस टू ए बी कैंसल आउट हो जाएगा तो आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हो अगर आपको अगर फॉमूला नहीं पता तो आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के इस पैटर्न को फाइंड आउट कर सकते हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस टू टाइम्स वन बाय फाइव तो वन माइनस टू अपॉइंट फाइव तो इन दोनों के एलसीएम लोगे तो फाइव माइनस टू अपॉइंट फाइव तो दैट इज इक्वल टू थ्री अपॉइंट फाइव तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का सल्यूशन सेकंड पार्ट निकालेंगे यहाँ पर आपको बोल रहा है कि अल्फ़ा माइनस प्लस बीटा माइनस की वैल्यू फाइंड आउट करो अल्फा माइनस मतलब वन बाय अल्फा बीटा माइनस मतलब वन बाय बीटा अब इन दोनों की वैल्यू तो हमें नहीं पता तो हम क्या करेंगे पहले एल्सियम लेंगे तो यहाँ पर आपको बनेगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा टू बीटा अल्फा प्लस बीटा कितना है माइनस वन आपका कितना है 5. तो फाइव ऊपर जाके क्या बन जाएगा अनुमिनेटर तो ये आपका बनेगा माइनस ऑफ फाइव तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑफ टेन बाई रिवर्सिंग डिजिट इज सिक्स इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय फाइन द नंबर एंड हाउ मेनी सर्च नंबर आर देयर यहां पर बात हो रही है टू डिजिट नंबर की तो सबसे पहले हम लेट करेंगे टू डिजिट नंबर को तो लेट डी टू डिजिट नंबर बी एक्स प्लस टेन वाई वेयर एक्स हमारा क्या है यूनिट डिजिट और वाई क्या हमारा टेंस डिजिट अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द रिवर्सिंग द डिजिट ऑफ नंबर इज सिक्सटी सिक्स मतलब अगर मैं x प्लस टेन वाई को ऐड करूँ इसके ऑर्डर को रिप्लेस करके मतलब यूनिट बिकम और बिकम यूनिट तो आपको मैं देगा टेन एक्स प्लस वाई तो इन दोनों का सम किसके बराबर है सिक्सटी सिक्स के तो ये आपकी फर्स्ट कंडीशन बन गई अब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो एक्स प्लस टेन एक्स इलेवन एक्स टेन वाई प्लस वाई इलेवन वाई इज इक्वल टू सिक्सटी सिक्स इलेवन आपका कॉमन आया तो एक्स प्लस वाई इज टू सिक्सटी सिक्स तो x प्लस वाई किसके बराबर आ गया सिक्स के बराबर आ गया तो ये बन गया हमारी इक्वेशन नंबर वन अब फर्दर वो कह रहा है कि इफ़ दर डिजिट ऑफ नंबर डिफर बाय टू अब यहाँ पर डिफर बाय टू है मतलब या तो यूनिट माइनस टेंस होगा या तो टेंस माइनस यूनिट होगा क्योंकि दो केसेज राइज हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमें ये नहीं पता कि यूनिट प्लेस हमारा ग्रेटर है या फिर टेंस प्लेस की डिजिट हमारी ग्रेटर है तो यहाँ पर हम दो केसिस को राइज करेंगे केस नंबर वन कि जब हमारा एक्स माइनस वाई डिफर होगा टू के और केस नंबर टू अगर हमारा वाई माइनस एक्स डिफर होगा टू के बिकॉज हमें ये नहीं पता कि टेंस डिजिट वाली डिजिट हमारी बड़ी है या फिर यूनिट वाली तो यहां पर हम दो केसेस को लेकर चलेंगे और नंबर को फाइंड आउट करेंगे तो इस इक्वेशन को मार्क करेंगे इक्वेशन नंबर टू और इसको मार्क करेंगे इक्वेशन नंबर थ्री तो पहले हम इक्वेशन नंबर वन और टू को सिंप्लीफाई करेंगे और नंबर कैलकुलेट करेंगे देन हम वन और थ्री को कैलकुलेट करेंगे और नंबर को फाइंड आउट करेंगे तो यहां पर आप ऐड करोगे फर्स्ट एंड सेकेंड तो आपका बनेगा एक्स प्लस वाई इजिकल टू सिक्स एक्स माइनस वाई इज वैल्यू टू माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल आउट तो टू एक्स इज इक्वल टू एट तो एक्स आपका कितना आ गया फोर आ गया इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर वन तो पुट इन फर्स्ट तो फोर प्लस वाई इज वैल्यू सिक्स तो वाई आपका कितना आ गया टू आ गया तो जब आपके पास एक्स फोर आ गया वाई टू आ गया तो मतलब रिक्वायर्ड नंबर क्या बन गया एक्स प्लस टेन वाई तो एक्स की वैल्यू निकली हमारी फोर या आपका निकला टू ट्वेंटी तो आंसर कितना आ गया ट्वेंटी फोर तो एक तो आपका नंबर निकल गया ट्वेंटी फोर अब हम इक्वेशन नंबर वन और थर्ड को यूज करेंगे तो यहाँ पर हम दिखेंगे एड फर्स्ट एंड थर्ड तो एक्स प्लस वाई इज गल सिक्स और माइनस एक्स प्लस वाई इज गलो टू एड ऑन करेंगे तो कैंसिल आउट तो टू वाई इज इक्वल टू एट तो वाई आपका कितना आ गया फोर पुट इन फर्स्ट तो एक्स आपका कितना आ गया टू तो यहाँ पर आप लिखोगे देर फोर रिक्वायर्ड नंबर क्या निकला एक्स प्लस टेन वाई वैल्यू कितनी है टू और ये आपका फोर्टी तो आंसर कितना आ गया अब यहां पर आपके दो पॉसिबिलिटी निकल वो नंबर ट्वेंटी फोर हो सकता है या फिर वो हमारा क्या हो सकता है फोर्टी टू हो सकता है क्योंकि यहाँ पर आपको बोला गया है कि हाउ मेनी सच नंबर आर देयर तो यहाँ पर आप लिखोगे देर फोर देयर आर टू सच नंबर फोर्टी टू एंड ट्वेंटी फोर तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट का और पार देखिए सॉल्व टू बाय रूट एक्स प्लस थ्री बाय रूट वाई इज टू फोर बाय रूट वाई माइनस नाइन अपॉन रूट वाई इज टू माइनस वन ये आपका रिडक्शन मेथड से सॉल्व होता है तो ये आपका आउट ऑफ सिलेबस है बट कई बच्चों को ये टॉपिक अगर समझना है तो ये मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपको एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है यहाँ पर अगर आप ध्यान से रखोगे तो इक्वेशन में जो आपके एक्स और वाई है वो आपके विद इन रूट है और फ्रैक्शन में है आपको पता है कि वेरिएबल कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होता तो यहाँ पर अगर आपका वेरिएबल डिनोमिनेटर में है तो यहाँ पर आपने क्या करना है लेट कर लेना है वन बाय रूट एक्स को आपने ए और वन बाय रूट वाई को आपने लेट कर लिया बी क्योंकि हम एक ए और बी की वैल्यू पहले फाइंड आउट करेंगे देन उसके बाद हम एक्स की वैल्यू को ईजिली फाइंड आउट कर लेंगे तो यहाँ पर आपकी इक्वेशन बनेगी टू ए प्लस थ्री बी इजिकल टू और फोर ए माइनस नाइन बी इजिकल टू माइनस वन अब ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आता है तो यहाँ पर हम एलिमिनेशन मेथड से ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर आपको दे रखा है थ्री बी यहाँ पर आपको दे रखे नाइन बी तो मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा थ्री से और इसको मल्टीप्लाई करूंगा वन से तो आपको बनेगा थ्री टू जा सिक्स ए प्लस नाइन बी बराबर है सिक्स फोर ए माइनस नाइन बी इज इक्वल टू तो माइनस वन अगर आप ध्यान से रखोगे तो दे आर ऑलरेडी अपोजिट साइन तो प्लस करेंगे नो साइन चेंज तो ये कैंसिल आउट यहाँ पर आपको बन गया टेन ए इज इक्वल टू फाइव तो ए आपका कितना निकल गया वन बाय टू इसको हम किसी भी इक्वेशन में अप कर सकते हैं तो मैं इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप लिखोगे टू इन वन बाय टू प्लस थ्री इज इक्वल टू टू वन प्लस थ्री बी इज इक्वल टू टू थ्री बी इजिकल टू वन तो बी तो आपका कितना आ गया वन बाय थ्री ए और भी आपको पता चल गया तो हम इसको डायरेक्टली इस इक्वेशन में करेंगे तो आपका बनेगा वन क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो रूट एक्स के बराबर आ गया टू के स्कवायरिंग बोर्ड साइड तो एक्स आपका कितना आ गया फोर आ गया वन बाय रूट वाई इजल टू वन बाय थ्री तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो रूट वाई इजिकल टू थ्री तो स्क्वायरिंग बोर्ड साइड करके रूट कैंसिल तो वाई आपका कितना आ गया 9. तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन पी ए एंड पी बी आर द टेंजन ड्रॉन टू ए सर्कल ऑफ सेंटर ओ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी कॉर्ड ए बी मेक एन एंगल ऑफ थर्टी डिग्री विद अ रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इफ़ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज सिक्स सेंटीमीटर फाइन द लेंथ ऑफ द टेंजन पी ए एंड द लेंथ ऑफ द रेडियस ओ ए यहाँ पर आपको क्वेश्चन कह रहे हैं कि यहाँ पर आपके दो टेंजन ड्रॉ रही हैं पी ए पी बी फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी टू ए सर्कल दिस जिसका सेंटर क्या है ओ ए बी हमारी क्या एकड है जो क्या कर रहा है एक एंगल बना रहे हैं विद रेडियस के और ये एंगल आपको कितना दे रखा है थर्टी डिग्री दे रखा है यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है ए बी की लेंथ और ओ ए की लेंथ और ए बी आपको कॉड कितना गिवन है सिक्स सेंटीमीटर आपको बताएगी कि अगर ये हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है तो सेंटर से टेंजन पे कितना एंगल बनाती है नाइन्टी डिग्री बनाते हैं ये आपको थेरो में आपकी टेन पॉइंट वन तो यहाँ पर हम दिखेंगे एंगल ओ ए पी आपको कितना गिवन है नाइन्टी डिग्री और रीज़न आप क्या करोगे एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस एट पॉइंट ऑफ तो अगर ये पूरा एंगल 90 डिग्री है और ये 30 है तो हम पी ए बी फाइंड आउट कर सकते हैं तो पी ए बी आपका कितना आ गया 90 डिग्री माइनस ऑफ 30 डेट इज इक्वल टू 60 डिग्री आपको है कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट क्या होती है इक्वली लेंथ होती है तो अगर पी ए बराबर पी बी है तो दोनों के अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे बराबर होंगे तो यहाँ पर आप लिखोगे एंगल पी ए बी बराबर एंगल पी बी ए बिकॉज एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ द तो अगर ये सिक्सटी है तो ये भी कितना होगा सिक्सटी डिग्री होगा तो यहाँ पर आप लिखोगे पी ए बी इज इक्वल टू एंगल पी बी ए इज़ इक्वल टू सिक्सटी डिग्री अगर ये सिक्सटी है सिक्सटी टू एंगल सम प्रॉपर्टी से मैं ये एंगल भी फाइंड आउट कर सकता हूँ तो यहाँ पर आप लिखोगे इन ट्रैंगल पी ए बी एंगल पी ए बी प्लस एंगल पी बी ए प्लस एंगल ए पी बी बराबर है वन एटी डिग्री बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी पी ए बी सिक्सटी पी बी सिक्सटी टू एंगल ए पी बी कितना हो गया सिक्सटी डिग्री और अगर तीनों के एंगल का सम अगर वन एटी डिग्री और तीनों एंगल अगर सिक्सटी सिक्सटी डिग्री है तो मतलब दे आर इक्विलेटर ट्रैगल तीनों की साइस भी क्या होंगी बराबर होंगी तो यहां पर लिखोगे ट्रेंगल ए पी बी इज एन an... इक्विलेटरल ट्रेंगल तो पी ए बराबर है पी बी बराबर है ए बी के तो अगर ए बी आपको गिवन है सेंटीमीटर तो पी ए भी कितना होगा सिक्स सेंटीमीटर तो यहां पर लिखोगे ए बी बराबर सिक्स सेंटीमीटर तो डेयर फोर पी ए भी आपका कितना आ गया सिक्स सेंटीमीटर आ गया तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट अब यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है ओ ए तो यहाँ पर अगर आप फिगर को ध्यान से देखोगे तो ये हमारा क्या बन रहा है परपेंडिकुलर ये आपका क्या बन गया परपेंडिकुलर ये आपका बन गया बेस और ये आपका बन गया हाइपोटेनस तो यहाँ पर हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे जिससे आपको इजीली पता चल जाएगा कि हमने कैसे कैलकुलेट किया यहाँ पर लिखोगे ए यहाँ पर आपका बन गया ओ यहाँ पर आपका बन गया पी ए पी आपको गिवन है सिक्स सेंटीमीटर पी आपका एंगल गिवन है थर्टी डिग्री या आपका गिवन है नाइन्टी डिग्री और आपको ओ ए फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर हमने इसको क्या एड कर लिया एक्स हमें ओ पी फाइंड आउट नहीं करना यहाँ पर अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक का कंसेप्ट यूज़ करेंगे तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और अगर आप ध्यान से रखो ये परपेंडिकुलर या आपका बेस तो हमारा ये थर्ड वाला पैटर्न यूज़ हो रहा है जो हमारा किसके बराबर होगा टेन के तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इन ट्रेंगल ओ ए पी टेन पी बराबर होगा ओ ए अपॉन ए पी के और टेन पी आपको कितना के बना है थर्टी डिग्री तो यहाँ पर लिखोगे टेन थर्टी डिग्री इज इक्वल टू

फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी प्रूव डेट एंगल पी टी क्यू बराबर है ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू अगर हम फिगर के हिसाब से देखें तो यहाँ पर आपको एक सर्कल दे रखा है जिसका सेंटर क्या है ओ है फ्राम एक्सटर्नल पॉइंट टी से दो तो टेंजन थ्रो हो रही है इस सर्कल पर एट पॉइंट पी एन क्यू तो यहाँ पर आपको प्रूव करना है एंगल पी टी क्यू बराबर है ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू अगर हम फिगर में देखें तो पी हमारा क्या है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो आपको बताइए कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जो अगर टेंजेंट हो रही हो तो सर्कल से अगर रेडियस से देखा जाए तो इस ये एंगल हमारा कितना होगा नाइन्टी डिग्री होगा तो यहाँ पर आप लिखोगे एंगल ओ पी टी बराबर है नाइन्टी डिग्री बिकॉज एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट अब ये एंगल कैसे बना होगा इन दोनों एंगल्स को मिलाकर तो यहाँ पर आप लिखोगे एंगल ओ पी टी बराबर है एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी टी इन दोनों को एंगल को मिला के बनाए अगर मैं इस एंगल को थीटा ले लेता हूँ ओ पी टी कितना है नाइन्टी डिग्री एंगल ओ पी क्यू नहीं पता इसको आपने लेट कर लिया थीटा डिग्री तो ये प्लस है तो वहाँ जाके माइनस तो एंगल ओ पी क्यू कितना आ गया नाइन्टी माइनस थीटा डिग्री तो इसको आपने मार्क कर लिया क्वेश्चन नंबर वन तो मतलब इस पैटर्न की वैल्यू कितनी आ गई नाइनटी माइनस थीटा आपको बताएं से क्या होती है, होती है तो यहां पर आप लिखोगे पी टी बराबर है टी क्यू के तो एंगल टीपी क्यू बराबर होगा एंगल टी क्यू पी के बिकॉज एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ द तो यहाँ पर हम हम एंगल सम प्रॉपर्टी की वैल्यू को यूज़ करेंगे तो इन ट्रैंगल पी टी क्यू एंगल पी टी क्यू प्लस थीटा डिग्री प्लस थीटा डिग्री इज इक्वल टू तो वन एटी डिग्री बिकॉज इन दोनों वैल्यू तो थीटा थीटा ही है क्योंकि दोनों एंगल्स बराबर है तो एंगल पी टी क्यू बराबर है वन एटी डिग्री माइनस ऑफ टू थीटा दोनों में क्या कॉमन आ रहा है टू तो बाहर कितना बच गया हमारा नाइन्टी डिग्री माइनस थीटा और फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन नाइनटी माइनस थीटा कितना एंगल ओ पी क्यू तो यहाँ पर लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू और यहां पर रीजन लिख दोगे फ्रॉम फर्स्ट और यही आपको क्या करना था प्रूफ तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर थर्टी इफ वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर है थ्री साइन कॉस देन प्रूफ दैट टेन इज इक्वल टू वन और वन बाय टू यहां पर आपको एक पैटर्न दे रखा है वन प्लस साइन स्क्वायर बराबर है थ्री साइन कॉस और आपको प्रूफ करना है कि टेन की वैल्यू वन और हाफ होगी अब यहाँ पर अगर रिलेशन देखें तो साइन का रिलेशन होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर बराबर बट यहाँ पर अगर वन माइनस कॉस करेंगे तो ये साइन आपका रिमूव नहीं होगा और यहां पर आपको फाइंड आउट करना है टेन की वैल्यू तो यहां पर हम क्या करेंगे टेन कैसे बनेगा जब हम साइन को कॉ से डिवाइड करेंगे तभी तो हमारा टेन बनेगा और यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर एक साइन है तो हम इसको कॉ से डिवाइड करेंगे तो ये हट जाएगा बट यहां पर हमारा दो साइन है तो जिस करके यहां पर हम डिवाइड करेंगे हर एक टर्म को साइन कॉ स्क्वायर से तो डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर थीटा ऑन बोथ साइड तो आपका बनेगा वन बाय कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री साइन कॉस अपॉन कॉस स्क्वायर वन बाय कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं सिकेंड स्क्वायर या आपका बन गया टेन स्क्वायर एक कॉस कट गया तो एक कॉस बच गया तो साइन बाय कॉस क्या बन गया टेन आपको बताया कि आइडेंटिटी वन प्लस टेन स्क्वायर किसके बराबर होगा सिकेंड स्क्वायर के तो यहाँ पर हम सिकेंड की जगह टेन डाल सकते हैं तो यहाँ पर आपका बनेगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री टेन 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 टू टेन स्क्वायर माइनस थ्री टेन प्लस वन बराबर है जीरो अब ये आपकी क्वाड्रेटिक बन गई तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेट करेंगे टेन को मैंने मान लिया सपोज एक्स तो हमारी इक्वेशन बन गई टू एक्स स्क्वायेर माइनस थ्री एक्स प्लस वन बराबर है जीरो अब हम इस इक्वेशन को बाय टू मेथड से सॉल्व कर सकते हैं आइदर क्वारेटिक फॉर्मुला और मिडल स्प्रीड टर्म तो इक्वेशन के नंबर काफ़ी छोटे हैं तो इस करके यहाँ पर हम इसको बाय मिडल टर्म से सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर आप लिखोगे टू एक्स स्क्वायेर माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस वन बराबर जीरो टू आपका कॉमन आ रहा है एक्स कॉमन आ रहा है तो अंदर बच्चा आपका एक्स माइनस वन माइनस वन कमन आ रहा है तो अंदर के बच्चा एक्स माइनस वन तो एक्स बराबर हो गया हाफ़ और एक्स बराबर हो गया वन अब इसको यहाँ पर पुटअप करेंगे तो टेन कितना आ गया एक वन बाय टू आ गया और हमारा कितना आ गया वन आ गया और यही आपको क्या करना था प्रूफ तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर थर्टी वन द लेंथ ऑफ फोर्टी लीव्स ऑफ ए प्लांट आर मेजर करेक्ट टू नियरेस्ट मिलीमीटर एंड द डाटा ऑफटेन इज रिप्रेजेंट इन द फॉलोइंग टेबल फाइंड द एवरेज लेंथ ऑफ द लीव एवरेज लेंथ मतलब यहाँ पर आपको मीन कैलकुलेट करना है और अगर आप यहाँ पर ध्यान से रखोगे डाटा आपका कॉन्टिन्यूस नहीं है और यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे डाटा को सबसे पहले कॉन्टिन्यूस बनाएंगे बिकॉज अगर आप यहाँ पर ध्यान से रखोगे तो अपर लिमिट आपकी कितनी है वन ट्वेंटी सिक्स और यहाँ पर आपका लोअर लिमिट कितनी रहेंगे वन ट्वेंटी सेवन तो जब भी अगर आपका एक का डिफरेंस होंगे तो हम क्या करेंगे लोअर लिमिट में पॉइंट फाइव माइनस करेंगे और अपर लिमिट में हम पॉइंट फाइव ऐड करेंगे तो यहाँ पर आप लिख सकते हो लोअर लिमिट इज इक्वल टू माइनस ऑफ पॉइंट फाइव और अपर लिमिट में पॉइंट फाइव को क्या कर देंगे एड ऑन कर देंगे जिससे हमारा डाटा क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूस हो जाएगा तो इस क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है तो यहाँ पर मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगा कि आप कैसे सबसे पहले डाटा को कंटिन्यूस करोगे और देन उसके बाद कैलकुलेट करोगे बाय यूजिंग अज्यूम मेथड तो स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको डाटा गिवन था लेंथ इन मिलीमीटर मीटर वन वन एटीन से वन ट्वेंटी सिक्स वन ट्वेंटी सेवन सेवन से वन थर्टी फाइव और इसके रिस्पेक्ट में आपको फ्रिक्वेंसी गिवन थी तो सबसे पहले आपने क्या किया क्लास इंटरवल का डाटा कॉन्टिन्यूस किया तो मैंने आपको भी बताया कि लोअर लिमिट में हम पॉइंट माइनस करेंगे और अपर लिमिट में पॉइंट ऐड करेंगे जिससे हमारा डाटा क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूस हो जाएगा और आपको बताया कि जब हमारा क्लास इंटरवल आपको कंटिन्यूअस मिल जाए तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं क्लास मार्क क्लास मार्क क्या होता है एक्साई डैट इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई टू तो हम इन दोनों को एड ऑन करेंगे और दो से डिवाइड करेंगे तो आप कंसर कितना है वन ट्वेंटी टू ऐसी हमने सारी वैल्यू को इजिली फाइंड आउट कर लिया अब यहाँ पर मैं यहाँ पर मीन की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहा हूँ बाय यूजिंग अज्यूम इन मेथड तो यहाँ पर हम एक्स आई में से एक मिडल वैल्यू को एज्यूम करेंगे ए तो सपोज मान लो मैंने 149 को ए लेट कर लिया क्योंकि हमारी मिडल वैल्यू है क्योंकि इसके अबव तीन डाटा है और इसके बिलो भी तीन डाटा है तो ये हमारा क्या बनेगा एक्स आई अब हम नेक्स्ट पैरामीटर निकालेंगे डी आई डी आई किसके बराबर होता है एक्सई माइनस ए मतलब ये तो एक्स आई मतलब ये तो वन ट्वेंटी टू में से वन फोर्टी नाइन तो आपका कितना गया माइनस ट्वेंटी सेवन वन थर्टी नाइन में से वन थर्टी वन में से अगर वन फोर्टी नाइन तो माइनस एटीन वन फोर्टी में से वन फोर्टी नाइन के तो माइनस नाइन तो ऐसे रिस्पेक्ट में हमने डाटा निकाल लिया अब नेक्स्ट प्रोसीजर होता है फ्रिक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना होता है डी से तो इसको मल्टीप्लाई किया तो आपका ये डाटा आ गया और सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट किया सिग्मा डी आई एफ आई दैट इज इक्वल टू माइनस एटी वन बिकॉज हम पहले हम इस वैल्यू को ऐड ऑन करेंगे फिर हम इन दोनों को ऐड ऑन करेंगे और इसमें से इसको क्या कर देंगे माइनस तो आपका होल आंसर कितना आ गया माइनस एटी वन अब आपको बताया कि अज्यूम इन मैथड का फॉर्मूला क्या होता है मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई ए की वैल्यू आपने लेट करी थी वन फोर्टी नाइन तो यहाँ पर आप लिखोगे वन फोर्टी नाइन सिग्मा डी आई एफ आई आपका कितना है नेगेटिव तो माइनस एटी वन अपॉन टोटल फ्रिक्वेंसी कितनी है फोर्टी तो यहाँ पर आप क्या करोगे फोर्टी अब बच्चे क्या करते हैं पहले इसके एल्शियम लेंगे और कैलकुलेट करेंगे बद गलत वो आपका लेंथ ही है आपने क्या करना है वन फोर्टी नाइन को एज एज एटी वन को फोर्टी से डिवाइड करो और जो आएगा उसको इसमें से क्या कर दो माइनस तो ये आपका निकल गया एवरेज लेंथ ऑफ दी डाटा और एक्सआई को आपको मैं दोबारा बता देता हूं कि एक्स आई कैसे निकालोगे लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय टू और अगर आपका डाटा कॉन्टिन्यूस नहीं है तो सबसे पहले उसे कॉन्टिन्यूस बनाओ देन उसके बाद फर्दर सॉल्व करो तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन